पंजाबी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उनमें जो ये वैकेंसीज 133 प्लस 6 प्रिंसिपल की निकली हुई हैं, उनके लिए फॉर्म जो फिल करना है वो ऑफलाइन है, ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म फिल करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ रिक्वेस्ट थी कि ये उनकी, इतने दिन मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था, खुद समझ रहा था, और जो मुझे समझ आया है वो आपके सामने रखने लगा हूं। पहले आपने फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, पंजाबी यूनिवर्सिटी .ac.in पर क्लिक करके आप साइट पर जाते हो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक है, यहाँ क्लिक करोगे, इम्पोर्टेंट लिंक से क्लिक करके इस तरफ ये डाउनलोड सेंटर है, डाउनलोड सेंटर को क्लिक करेंगे। डाउनलोड सेंटर करने के बाद ये नंबर वन पर आया यूनिवर्सिटी बजट, ये नहीं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नहीं, उसके बाद एम्प्लॉयज टीचर्स स्टाफ रिलेटेड फॉर्म नहीं, ये रहा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैं बता दूं यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है हमारे पास ये, ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पीछे वाले वीडियो में दी गई है। ये लिखा है डाउनलोड सेंटर में जाके एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट। वापस चलते हैं, तो ये रही एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, हम ठीक पहुंच गए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट पर, ये फॉर्म खुल गया। जो क्वालिफिकेशन है आपकी, जनरली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाबी में प्रेफर करती है, लेकिन आप इंग्लिश में फिल कीजिए, कैपिटल लेटर में फिल कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, रफ फॉर्म फिल करना है। अगर कोई क्वारी है आप मुझे पूछ सकते हो। फॉर्म के तीन पार्ट्स हैं, जैसे पहले भी बताया है मैंने पहले वीडियो में, तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट थ्री जो पेजेस हैं वो फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर एक पेज है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद है दो बायोडाटा के। बायोडाटा का जो आपने, अगर ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है तो आपको इस फॉर्म के अनुसार एडजस्ट करना होगा। आप अपना बायोडाटा ऑलरेडी जो बना हुआ वो उसको साथ में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हिसाब से कैलकुलेशन होनी है, आपकी मेरिट पोजीशन बढ़नी है, दैट इज वाई इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो फॉर्म आपने निकाल लिया है, अपना फॉर्म फिल करने का डायरी नंबर नहीं करना, डेट ये लिखिए नहीं, फॉर्म नंबर नहीं लिखना, ये स्टाफ के लिए है। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो बताने की जरूरत नहीं है, बताना क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2229 ऑब्लिक डी पी, यहाँ पी है डी पी आर, ये दिखा देता हूं अभी, 11865, ठीक, इसको देख लेते हैं यहाँ जाके, यो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया था, बड़ा करके देख लेते हैं, 2229 ऑब्लिक डी पी आर 11865। ये नहीं है पता कि ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर है या ये साथ में आना है कि नहीं, आप दोनों फिल कर दीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने फिल कर दिया, उसके फिल करने के बाद आपने जिस दिन डेट फिल कर रहे हैं फॉर्म, वो डेट फिल कर देनी है। नेम ऑफ द पोस्ट, आपने पोस्ट का नाम आपको पता ही है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल कर रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अदरवाइज प्रिंसिपल। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, ओके, ये बात मैंने बता दी है कि म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों वाले, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, दोनों ही एलिजिबल है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट ही होगा। आप पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट देख सकते हैं, कई डिपार्टमेंट मर्ज है तो उसका नाम वहां से देख के फिल कर सकते हैं। अगर ये इतनी सीरियस बात नहीं है क्योंकि इसके हिसाब से आपकी मेरिट नहीं बननी, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी और मेरिट, जो मार्क्स स्कोर आपके बनने हैं जिसके बेस पर सिलेक्शन होनी है, ठीक। दूसरा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, ये प्लीज साफ साफ अपना पूरा वही लिखें जो आपके जो सर्टिफिकेट में है ऑलरेडी। जो फीमेल को प्रॉब्लम आई थी कि वो फुल फॉर्म वो कौन सा लिखना है, नेम कौन सा चलेगा, ये होता है कि अगर आपका नाम मैरिज के बाद बदल गया है, जहां सरनेम बदल गया है, तो आपने एक एफिडेविट देना होता है कि ये दोनों नाम जो डिफरेंट है इन सर्टिफिकेट पर लिखे हुए, वो सेम ही पर्सन है। वो जल्दी 10-20 मिनट सुविधा सेंटर है, वहां से जाके कोर्ट में से बन सकता है।
तो आपने ये कर दिया मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड फादर्स नेम ब्लॉक लेटर क्लियर ठीक है मदर्स नेम ब्लॉक लेटर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ ऊपर चलते हैं यहाँ कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट होम एड्रेस कई बार सेम ही होता है आप दोबारा फिल कर सकते हैं यहाँ सेम भी लिख सकते हैं कि एज अबाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जहां पर आप चाहते हो कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस हो वैसे तो कॉरेस्पॉन्डेंस डिजिटल ही हो रही है पर ये क्योंकि फॉर्म थोड़ा पुराना है दैट इज वाई इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है जहां कई कॉलम रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए उसको कैसे फिल करना है दैट इज वाई इतने दिन मुझे लगे एनालिसिस करते करते। तो ये एड्रेस हो गया आपका टेलीफोन नंबर ठीक है ये लैंडलाइन का है अगर लैंडलाइन है नहीं तो आप एक मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं अपना ठीक। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब बैकवर्ड क्लास लिखना है ठीक है आपकी कैटेगरी लिखनी है कौन सी है याद रखना है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट हर हालत में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए। ये जो शेड्यूल्ड कास्ट का और बैकवर्ड क्लास की कंफ्यूजन आ रही है पिछले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है उनमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बैकवर्ड का या शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो पुराना है वैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट और शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट सारा सारी उम्र के लिए होता है लेकिन दो साल ढाई साल पहले ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए हैं कुछ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट के दौरान ये देखते हैं कि जो ऑनलाइन बना सर्टिफिकेट जो है नए तरीके से या नए फॉर्मेट में बना है वो एक्सेप्ट करते हैं तो ये चैलेंजेबल तो नहीं है लेकिन आप नया सर्टिफिकेट अगर डिपार्टमेंट है में इजीली बन रहा है आपको बनवा लेना चाहिए। दूसरा है कि फिजिकली हैंडीकैप ये पता ही है 40% जिसकी डिसेबिलिटी है उसको रिजर्वेशन मिलती है जैसे ज्यादा है वो रिजर्वेशन मिलती है ठीक। सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड साथ में होना है। देखिए क्या क्या चीजें अटैच करनी है साथ में जहां आपको फॉर्म फिल करने से पहले कौन कौन सी चीजें टोटल कौन सी चीजें मैंने एक लंबी सी 32 3 4 5 पॉइंट्स है जो डॉक्यूमेंट्स है निकाले हुए कि वो आपको रेडी रखने हैं या तो इंटरव्यू के दौरान या ये फॉर्म फिल करते हुए या इसके साथ जो फोटोकॉपीज लगनी है ठीक है वो वीडियो अलग से होगा वो चेकलिस्ट फॉर इंटरव्यू एंड एप्लीकेशन फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी पोस्ट वो कॉमन एक बना दी है वो आप देख सकते हैं इसके बाद ही अपलोड कर देता हूं। डेट ऑफ बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है नेशनलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इफ एम्प्लॉयड प्रेजेंट डेजिग्नेशन एंड पे स्केल देखिए दो प्रॉब्लम आ रही है यहां पर ये डिपेंड करता है आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो तो आप नेचुरली अपना एक्सप्लॉयटेशन अच्छी तरह से करवा रहे हो। इफ एम्प्लॉयड आपको नेम अगर लिखते हो तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा जहां उनको एक एप्लीकेशन लेटर लिख के फॉरवर्ड करवाना होगा कि यस उनके जरिए आप ये आगे चल के ये मैं बता देता हूं ये आपको जरूरत पड़नी है हर हालत में एनओसी आपको चाहिए होगा वो अब भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं इंटरव्यू तक आपको एनओसी हर हालत में लेना होगा। ये जो पे स्केल की बात है जो प्राइवेट में जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर स्कूल टीचर या किसी और जॉब में लगे हुए हैं तो आपको जो पे स्केल जो उस पर आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखा हुआ है ना अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखा हुआ है वो पे स्केल आप फिल कीजिए ठीक है क्योंकि कैलकुलेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से कर लेते डीए वगैरह ये कई कुछ नहीं देते लेकिन आप वो वाला पे स्केल ही अपना फिल कीजिए डिजिट में वो पूरा फिल करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है। आप जो आपके पास सर्टिफिकेट है आप वो वाला सर्टिफिकेट पर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरे लिखा हुआ है प्रोफेसर ग्रेड लिखा हुआ है तो मेरे पास वो अपॉइंटमेंट लेटर है मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ प्रोफेसर ग्रेड लिख दूंगा वो आगे स्टैंडर्डाइज है जो आप एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है एक मिनट वो भी दिखा देता हूं आपको। अगर आपने ग्रेड फिल करना है तो जो स्टैंडर्डाइज है प्रोफेसर ग्रेड ये है ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड ये है ये भी बात यहां स्पष्ट है जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोफेसर ग्रेड में
उनकी एप्लीकेशन ली जा रही है, इट मींस उनके जो स्कोर है डिफरेंटली बनेंगे, वो अलग से वीडियो में आपको बता देता हूँ कैसे स्कोर बनने हैं, कितने बनने हैं, कितने चाहे आपको चाहिए। वापस चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ओके तो ये हो गया, नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर नाम आ गया, हैव यू ऑब्टेन्ड परमिशन यस और नो, अगर आप यहाँ नो लिखते हो ठीक है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा हर हालत में ठीक। प्रेजेंट बेसिक पे स्केल, ये बेसिक वो आपको स्केल बताया है उसमें से बेसिक फिल कर सकते हैं एजीपी निकाल के। इफ सिलेक्टेड ज्वाइनिंग टाइम आप इमीडिएट लिखिए, मेरे ख्याल में इमीडिएट बेटर है। अगर आपको 1 month 2 months चाहिए यहाँ बार्गेनिंग गेन, क्योंकि स्केल जो फिक्स है सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स इनको मिलते हैं। हाँ एक जो 2015 में पंजाब गवर्नमेंट ने रूल पास किया है उसका अलग से वीडियो बनाता हूँ, वो भी आप देख लीजिए, आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए कैसे कैसे तोहफे छोड़ रखे हैं, वो इंटरफेरेंस है, वो डिबेट वाला पॉइंट है कि उनके रूल और रोल क्या, एक वीडियो आएगा रूल और रोल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन दीज वैकेंसीज ओके। इमीडिएट आप ज्वाइन करोगे, मिनिमम ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम बेसिक पे एक्सेप्टेबल, ये पहले मुझे बहुत चुभा था शब्द के एक्सेप्टेबल मीन के मतलब, अगर स्टैंडर्डाइज है तो ये क्यों पूछा गया, ये बिल्कुल ठीक पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी आप जहां काम कर रहे हो वो हायर पे आप ले रहे हो, जो असिस्टेंट मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप प्रिंसिपल के लिए आप ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर काम कर रहे हो ऑलरेडी आप 70,000 ले रहे हो ठीक है, 70,000 आप ले रहे हो ठीक है, मान लीजिए यहां पर मिलना है 50,000, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये एग्जांपल दे रहा हूं उसको फाइनल मत समझना ठीक, 50,000 यहां मिलना है, तो इट मींस आप यहां बताओगे कि मैं 70,000 एक्सेप्टेबल है। इट यहां फिल करने का ये इन्होंने क्यों पूछा है कि अगर आप ऑलरेडी ज्यादा ले रहे हो तो आप ऐसा केस हो कि आपकी सैलरी प्रोटेक्ट की जाए, सैलरी प्रोटेक्शन का, पे प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो ऑलरेडी आप अच्छी सैलरी इस स्केल से ज्यादा अगर ले रहे हो तो जब आप यहाँ आओगे तो आपकी प्रोटेक्ट होगी, मीन आपको 50 की जगह के बाकियों को 50 मिलेगा लेकिन आपको 70 मिलेगा। अगर इस प्रोसेस में पे प्रोटेक्शन की प्रोविजन है तो मिलेगा, पर यहाँ आप अगर ज्यादा ले रहे हो तो आपको फिल कर देना चाहिए कि मिनिमम एक्सेप्टेबल कितनी है सैलरी ठीक। दूसरा उनको डरने की जरूरत नहीं है, कई बार हम प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पर भी ये कॉलम होता है, वो वहां ये कॉलम एक्सप्लॉयटेशन के लिए है कि मिनिमम आप कितना लोगे। मान लीजिए एक कैंडिडेट ने 50 लिखा है, दूसरे ने 45 लिख दिया है, तीसरे ने 40 लिख दिया है, मतलब ये अच्छा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट ने मिनिमम एक्सेप्टेबल वाले को जो है सिलेक्ट कर लेना है, नॉर्मली ये होता है जैसे वो बिजनेस है ना टोटल, लेकिन यहाँ ये बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये रूरल बच्चों के लिए कॉलेजेस खोले गए हैं, उनको जो है एनरोलमेंट उनकी बढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, दैट इज वाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दैट इज वाई स्टैंडर्डाइज होगा सब कुछ। पंजाब गवर्नमेंट की यहाँ इंटरफेरेंस है वो बाद में डिस्कस करते हैं, तो इसको एक्सप्लॉयटेशन मत समझिए। आप अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी ज्यादा है तो आप ज्यादा फील कर रहे हो, अदरवाइज आपका जो भी स्केल ये बनता है जो पीछे डिस्कस करके आए हैं, फिर से दोबारा से दिखा दूं एक बार, अदरवाइज आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आप यही पे स्केल एक्सेप्टेबल फिल करोगे कि जो बाय रूल जो है वो वाला ठीक है। इन्होंने यहां दिया है ऑलरेडी स्केल, और अगर प्रिंसिपल हो तो ये वाला ही लिखोगे, अगर आप प्रिंसिपल पहले से नहीं हो, अगर हाँ जब प्राइवेट कॉलेज में हो और आप इससे कम सैलरी ले रहे हो, नेचुरली प्राइवेट का मतलब इससे कम ही होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिफाइंड इन द इंडियन वर्ल्ड। असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो
आप नेचुरली ये लिखोगे, अगर प्राइवेट कॉलेज में काम स्कूल में काम करते हो तो नेचुरली है वो सैलरी पूरी नहीं देते, तो आप पूरी लिखोगे, इट मींस कि जो सैलरी एक्सेप्टेबल है वो बाय रूल जो है गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जहाँ इस इन कॉलेजेस के लिए जो सैलरी है वो एग्जैक्ट मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो वो ही फिल की जाएगी। वापस चलते हैं, गिव टेबुलर स्टेटमेंट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास्ट, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आपने सभी सब्जेक्ट फिल करने हैं, इस थोड़ा सा सभी सब्जेक्ट फिल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी का जरूरी है, ये बात याद रखनी है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में ये जो पोस्ट है जहाँ फॉर्म में एक जगह लिखा हुआ है कि आपको अगर नहीं पंजाबी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने 10th में पास नहीं की तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको आपको उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी देखना जरूरी है फॉर्म 5th पे भेजने से पहले। तो पंजाबी के लिए 2 साल फिर दिए जाते हैं आपको, अगर आपने की हुई है ऑलरेडी, आप सारे सब्जेक्ट फिल करके पंजाबी को हाईलाइट जरूर कर दीजिए, नेम ऑफ द बोर्ड मेरे कुछ भी बताने, ईयर ऑफ पासिंग या कुछ भी यहाँ बताने के लिए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स कितने हैं जितने आपने लिए हैं, टोटल कितने में से हैं, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज को देखिए, ये बात ध्यान रखिए, परसेंटेज को मान लीजिए आपके 70.143 बन रहे हैं, 3 तक मिनिमम 3 तक आप कैलकुलेशन परसेंटेज की करके फिल कीजिए, ये जरूरी है। हाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ फिल कैसे करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मेरिट में आप हो, 70 डिस्टिंक्शन में हो, 70% से ज्यादा डिस्टिंक्शन होती है, वो गजट की कॉपी आपके जहाँ सर्टिफिकेट आपके पास होगा डिस्टिंक्शन का, और गोल्ड मेडल है कोई, उस इसमें से प्राइज मिला है आपको, एकेडमिक प्राइज मिला है, तो वो यहाँ लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है जी प्लस टू का, वैसे ही सेम आएगा, अब मेरे ख्याल में कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पता है, ये भी पता है। एमफिल अब तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है ये पता है, लेकिन आपने पहले से एमफिल की हुई है, पर्टिकुलरली रेगुलर मोड से की हुई है, तो उसकी वेटेज होगी, वो अलग से वीडियो में बताऊंगा कि वेटेज कैसे मिलनी है, किस किस डिग्री को मिलनी है, ठीक है। एमफिल फिल कीजिए, आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपने यहाँ फिल करनी ही करनी है, पता नहीं है किसको वेटेज मिल जाए। पीएचडी है, यस, नेट है, स्लेट है, ये मतलब ये ऑड है, यहां तक आप फिल कर दोगे, क्योंकि पीएचडी के मार्क्स नहीं होते, यूनिवर्सिटी आ जाएगी, आपका जो पीएचडी का जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने साइकोलॉजी या म्यूजिक में जिसमें भी आपकी है वो फिल कर सकते हो, टाइटल फिल करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे रिजल्ट, जहां भी है आप अवार्डेड लिख दोगे, ठीक है। पीएचडी अवार्डेड और नॉट अवार्डेड ही होती है, ग्रेड वगैरह मेरे ख्याल में कहीं भी पीएचडी में नहीं है, यहाँ ग्रेड भी कोई नहीं है, मार्क्स कोई नहीं है, हाँ जिन्होंने 6 मंथ का कोर्स है उसके अवार्ड हैं, तो वो अलग से जो है लगा सकते हैं, एनी अदर एग्जामिनेशन अगर आपने फिल करना है प्री पीएचडी कोर्स का, प्री पीएचडी कोर्स का वो आप लिख सकते हो, उसकी वेटेज मिलती है नहीं मिलती मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्री पीएचडी कोर्स की यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हो, उसमें ग्रेड या मार्क्स होते हैं, ग्रेड होते हैं मेरे ख्याल में। ओके, नेट सेलेक्ट भी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होता है, वो ईयर यूजीसी वगैरह वो सब कुछ सेम आ जाएगा, आपको पता है, आपका आपके ही सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सारा कुछ मेरे ख्याल में क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर आप फिर पूछ सकते हो। क्वालिफिकेशन इन पंजाबी वही आना है कि आपने 10th में की है, जहाँ कहाँ तक आपने पंजाबी पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन इन पंजाबी आपकी एलिजिबिलिटी देखनी है कि 10th तक आपने मिनिमम 10th तक पढ़ी हो, ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 10th पास इन पंजाबी, ठीक है। ये भी लिख सकते हो थ्रू आउट, अगर इलेक्टिव पंजाबी प्लस टू में जहाँ सॉरी जनरल पंजाबी प्लस टू में पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, आप लिख सकते हो फ्रॉम 10th टू ग्रेजुएशन, फ्रॉम 10th टू ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर और भी हायर है पंजाबी वालों ने, एमए पंजाबी वालों ने तो पढ़ी पड़ी है, वो 10th टू अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक लिख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, इसमें कंफ्यूजन काफी है फिल करने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट भी ये है, क्योंकि
जब वेटेज मिलनी है तो इसको कंसिडर किया जाएगा। एक पहला पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपका एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस हो। नेचुरली यहाँ तीन कॉलम है, आप चार पांच छ सात आठ हो सकता है इतनी इंस्टीट्यूट में टीच किया हो। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने एडहॉक पर पार्ट टाइम पर गेस्ट फैकल्टी में किया हो, जहां कॉन्ट्रेक्चुअल में किया हो, कोई भी ऐसी पोस्ट जिसमें आपको एक दो महीने के लिए रिलीव कर दिया जाता था। नेचुरली इसके लिए आपको ज्यादा कॉलम चाहिए, तो इसके लिए आप एक सेपरेट शीट पर ये सारा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बनाइए और नीचे लिख दिए एक्स्ट्रा शीट फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस इज अटैच्ड। ठीक, ये उनके लिए जिनके ज्यादा है। अगर आपका एक या दो में ही है तो आपका यहाँ फिल हो जाएगा, लेकिन और भी प्रॉब्लम है साथ में बताता हूँ। सबसे पहले आपने फिल कर दिया इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया अपने इंस्टीट्यूट का नाम आपने फिल कर दिया, ठीक है। डेजिग्नेशन अगर 2009 से पहले था तब मेरे ख्याल में चेंज हुआ था, यूजीसी ने किया था। लेक्चरर फिर आप लेक्चरर फिल करोगे, अगर उसके बाद है तो असिस्टेंट प्रोफेसर करोगे, अगर आपकी पोस्ट थी एसोसिएट प्रोफेसर की तो एसोसिएट प्रोफेसर यहां लिख दोगे, अगर प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर लिख दोगे। साथ में अगर यहां प्लेस नहीं, जगह नहीं बचती, आप लिख सकते हो कि रेगुलर रेगुलर अगर रेगुलर है जरूर लिखिए, एडहॉक वाले हैं तो इंफॉर्मेशन देने की जगह नहीं है, वैसे दे देनी चाहिए, रेगुलर वाले जरूर लिखें। अप्रूव्ड जो है पैनल द्वारा, जो यूनिवर्सिटी का पैनल जिन्हें सिलेक्ट करता है, लेकिन वो बेशक वो प्राइवेट कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ कॉलम छोटे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप एग्जैक्ट डेट फिल कीजिए। आप अपना सर्टिफिकेट सामने रखना है, सर्टिफिकेट सामने रखने के बाद एग्जैक्ट आप डेट फिल करोगे, कब आपको ज्वाइन कराया गया था। आपके जो सर्टिफिकेट पर डेट डाली हुई है, फॉर एग्जांपल 1/7/2004, ठीक है, ये आगे आपको रिलीव कब किया गया था, अगर रिलीव करने वाली जहां जब आपने वो इंस्टीट्यूट छोड़ा 30/3/2006, मान लीजिए मैंने 2 साल बना लिए जानबूझ के। अगर आपका ऐसे 2 साल का मान लीजिए ये एक्सपीरियंस है, ये 2 साल का नहीं बना, ये बन गया 1 साल, यहां पर आएगा आपका कि आपने अगर अंडर ग्रेजुएट को टीच किया है तो, ठीक, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेनी है आपने। कैलकुलेशन करने के बाद अगर सिर्फ अंडर ग्रेजुएट को टीच किया है तो आप लिखोगे 1 साल 9 मंथ, ठीक है, क्लियर। अगर आपको पहले साल अंडर ग्रेजुएट मिली थी लेकिन दूसरे साल पोस्ट ग्रेजुएट मिल गई थी, पर आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा होना चाहिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस को टीच किया है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक। तो फिर आप लिखोगे कि फॉर एग्जांपल आपका यहां पर रब करके ये यहां लिख के बताता हूं, 1 साल जो है जहां 9 मंथ आपका है, 9 मंथ्स आपका है ये वाला, और 1 ईयर का आपका है ये वाला, ठीक, एग्जैक्ट। अगर आप सेपरेट शीट लगा ही रहे तो आप इसको रिपीट करके एग्जैक्ट डेट, अगर यहां पर आपको रिलीव किया गया है तो फिर आप यहां पर एक और उसी इंस्टीट्यूट का दूसरे ईयर का, आप रिलीव होने के बाद आपने वहां पर सेशन लगाया है तो आप दोबारा यहां फिल करोगे। एग्जैक्ट कितनी कैलकुलेशन बनती है, मान लीजिए 9 महीने 13 दिन बनती है, जितनी भी कैलकुलेशन इस डेट में आप देखोगे वो फिल करनी है, 9 इतने मंथ्स, ओके, जहां ऐसे लिखिए 9 मंथ्स एंड 13 डेज, ठीक। इसके बाद वो आपने देख लेना है सर्टिफिकेट पर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है ये, लास्ट पे जो आपको मिली है उसी सेशन में वो फिल करनी है। ये बात याद रखनी है कि जो भी सर्टिफिकेट में लिखा है अगर कंसोलिडेटेड सैलरी है तो वही लिखिए, अपने एथिक्स को मोरालिटी को
कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब ऐसे पोस्ट फिल की जाती है तो सिर्फ आपकी नॉलेज लेवल असेस नहीं किया जाता, जब आप इंटरव्यू में होते हो तो ये डॉक्यूमेंट इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट ही देखा जाता है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट जो पैनल है उनके पास होगा, तो यहां से आपकी मोरालिटी भी जज हो रही है। मेरे एक स्टूडेंट थे सैनिक स्कूल में, वो टीच कर रहे हैं, टीचर हैं, नेशनल अवार्ड उनको मिला है। जब उन्होंने उनसे मैंने पूछा मृगेंद्र जी से कि आपको अवार्ड मिला तो जजेस ने आपको कैसे वैल्यूएट किया, तो उनका एक सेंट्रल आइडिया जो मुझे समझ आया कि वो कंप्यूटर को उन्होंने स्कूल में सैनिक स्कूल में इतनी अच्छी तरह से यूज किया। इसके अलावा एक मेजर पॉइंट जो एक जजेस को एक या दो जजेस को जो प्रभावित करके गया वो ये था कि मोरालिटी साथ में टीच कर रहे हैं, जो एथिक्स साथ में वो दे रहे हैं। तो यहां भी एथिक्स को मत भूलिए, कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन है वहां पर प्योर सच्चे बने रहिए, ठीक। तो जो भी आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, लास्ट सैलरी जो मिली है वही फिल कीजिए, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है वो फिल कीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट है टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग रिसर्च है, आगे चल के आएगा टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग टीचिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर सीधा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको पता है कि नेट जेआरएफ जब क्लियर करके यूनिवर्सिटी में वो कैंडिडेट जाते हैं, तीन चार साल जब जो अपने पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हुए साथ साथ में उनको टीचिंग के लिए क्लासेस मिल जाती हैं, जो टीचिंग क्लासेस उनको मिलती हैं कई बार वो मान लीजिए तीन साल उन्होंने पढ़ाया है तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस कैलकुलेट वो कर लेते हैं कि ये उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्या वो कर रहे हैं, जेआरएफ रिसर्च के लिए गए हैं, फेलोशिप मिल रही है पर मंथ, यूजीसी उनको पे कर रही है, तो जो स्टाफ होता है जो यूनिवर्सिटी में रहते हैं वो डिपार्टमेंट वाले अगर ऐसे क्लासेस टीचिंग और कोई अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो ये हो गया रिसर्च प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। यहां पर उन्होंने कहा है टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग, मीन इसको शामिल नहीं करना, जे आर एफ वाला टीचिंग एक्सपीरियंस यहां पर शामिल नहीं करना। जो यहां पर आपकी कैलकुलेशन बनी है, ईयर है, मंथ्स एंड डेट्स हैं, टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके 17 ईयर बने हैं, 5 मंथ्स बने हैं और 12 डेज बने हैं, ये आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करके यहां पर लिख देना है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में बेशक आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेशक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में फॉर एग्जांपल आपका एचओडी का हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है जहाँ कॉलेज में ही है आपका एक्सपीरियंस है, पर आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस प्राइवेट कॉलेज का, जहाँ यूनिवर्सिटी में हेड का हो गया, जहाँ डीन का हो गया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास है सर्टिफिकेट। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस कॉलेज में है, वो फिल कर सकते हो। ऑफिशिएटिंग का मिला था आपको, ऑफिशिएट है, आप टीचर ही लेकिन आपको ऑफिशियल साथ में कर रहे हैं, तो आपके पास अगर इनका सर्टिफिकेट है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस यहां पर वो वाला लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस में शामिल है एमफिल और पीएचडी मेन है, और तीसरा मास्टर लेवल पर जैसे हमारे एमएड में हमारे डिसर्टेशन होता है तो वो भी रिसर्च एक्सपीरियंस कौन से है। फॉर एग्जांपल मास्टर लेवल का है, मास्टर लेवल का डिसर्टेशन इंडिया में डिसर्टेशन बोला जाता है मास्टर लेवल के, क्योंकि फॉरेन में इसको थीसिस बोला जाता है, और हमारे डॉक्टरेट लेवल को थीसिस बोला जाता है, वहां पर डॉक्टरेट लेवल को डिसर्टेशन बोला जाता है फॉरेन में, ठीक है। तो मास्टर लेवल हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा एमएड का है, और एमफिल का हो गया, ठीक है, पीएचडी का हो गया, और कोई प्रोजेक्ट का हो, ठीक है। ये अगर आपने ऐसा कुछ करवाया है डिसर्टेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट और थीसिस, तो वो आपके एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है। एज ए लेक्चरर आपका कितना है, आपने यहाँ पीरियड फिल कर, मान लीजिए मेरा 13/8/2004 से 30/5/2006 का है, ठीक। एज ए लेक्चरर मेरा एग्जैक्टली जब बायोडाटा फिल करना सिखाऊंगा आपने कैसे फिल करना है तो ये बताऊंगा,
एज ए लेक्चरर आपने एग्जैक्ट डेट फिल कर देनी है जब आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा, मैंने एमएड का एम डॉट एंड एमएड का डिजर्टेशन साथ में लिख सकते हैं, एमएड डिजर्टेशन, ओके हाँ, प्रोवाइडेड मेरे सर्टिफिकेट में वो लिखा हुआ है, दैट इज वाई मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो सर्टिफिकेट में लिखवा लीजिए, ठीक। ये आ गया जितना आपका वो था, मान लीजिए उसके बाद मेरे को एमएड की क्लास नहीं मिली थी, तो उस पीरियड का मैं रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं शामिल कर रहा, ठीक। 2009 से यहाँ फिर सॉरी 2012 से ये प्रोफेसर में आ गया मैं, 2012 से एग्जैक्ट 17/8/2012 एग्जैक्ट डेट यही है मेरी, यहां से लेके आज कौन सी है 4/1/2022, तो ये मेरा एज ए प्रोफेसर हो गया एक्सपीरियंस, ये हो गया पीएचडी प्लस एमएड, ठीक है, डिसर्टेशन। तो टोटल रिसर्च रीडर का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैं छोड़ रहा हूं। जितनी देर आपने एज ए लेक्चरर किसी को रिसर्च करवाई है, ठीक, और बीइंग अगर हाँ बीइंग लेक्चरर, देखिए ये 2009 से पहले शब्द थे, अब हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर, ये आपको पता है, और प्रोफेसर। तो यहाँ पर आप इससे पता चलता है कि थोड़ा फॉर्म जो है 2009 से पहला बना हुआ है। इसके अलावा आपको यूजीसी के आईसीएसएसआर का या किसी और एजेंसी का प्रोजेक्ट है 2 साल का 1 साल का 3 साल का, तो आप वो प्रोजेक्ट की डेट लिखोगे, जो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, एग्जैक्ट डेट यहां पर फिल करके ये टोटल। तो इसके अलावा आप अब फिल करोगे यहां पर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट भी लिखना है, कहते प्रोजेक्ट का टाइटल जो होगा ना वो भी आपने फिल करना है, ड्यूरेशन यहाँ ईयर आ गया, यहाँ पर डेट आपने पूरी कर दी, इतनी देर से इतनी देर का था, नेचुरली 2 साल का 3 साल का 2.5 साल का ऐसे जितना पास हुआ था प्रोजेक्ट वो डेट आप यहाँ फिल करोगे, ठीक। आप साथ में ब्रैक में ऐसे फिल कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस ये आ गया, देखिए एक्सक्लूडिंग टीचिंग, ठीक। अब आपने ये देखना है कि टोटल मेरे यहां पर मैंने मास्टर लेवल के, आप कैलकुलेट कर लीजिए मास्टर लेवल का आपका कितना बनता है, एमफिल का आपने अगर करवाई है वो कितना रिसर्च एक्सपीरियंस बनता है कैलकुलेट कर लीजिए, पीएचडी करवा रहे हैं कब से वो कर कैलकुलेट कर लीजिए, और प्लस कोई प्रोजेक्ट है, ठीक। इनको सेपरेटली अब आप नहीं कर सकते, कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको बताऊं। देखिए रिसर्च एक्सपीरियंस कैलकुलेट कैसे करना है मैं अपने एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल 2004 से लेकर मेरे पास एमएड का था मास्टर लेवल का, ठीक है, ये बेशक मेरा एडहॉक पर था, ये इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये भी बात याद रखनी है, आप एडहॉक पर हो रेगुलर हो, अब मैं एडहॉक का भी रिसर्च एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर रहा हूं, आपने कैलकुलेट करना है, आपके पास सर्टिफिकेट है, मान लीजिए ये 3 साल का हो गया 3 ईयर का, ठीक है, और इसके 2007 से 2012 तक को मुझे सिर्फ डिसर्टेशन का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। अब मेरा ये टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन रिसर्च का एक्सपीरियंस मेरा वो हो गया, फॉर्मली नहीं आया है, ये बेशक है कि रिसर्च वालों को इससे ज्यादा मैंने गाइड किया है इस पीरियड में, लेकिन फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है। 2012 से यहां तक तो मेरे पास देखिए पीएचडी के बच्चे आ गए, पीएचडी के प्लस एमएड के दोनों आ गए, तो यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना, मान लीजिए 12 से 2022 तक का मान लीजिए ये 10 साल का हो गया एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी पीरियड में अगर मैं मुझको इसी पीरियड में अगर प्रोजेक्ट भी है मेरे पास, प्रोजेक्ट भी है, तो इसको एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये 3 साल प्लस 10 साल 13 साल ये हुआ रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर इस पीरियड में जहां पर मेरे पास एमएड वगैरह नहीं थी, मैं किसी दूसरे जो 12F2B वगैरह किसी कॉलेज से जो दूसरे प्रोफेसर ने लिया है प्रोजेक्ट और मैं उसके साथ काम कर रहा होता तो मेरा ये रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाना था, तो अगर ये मैंने 1 साल का लिया होता तो 1 साल ये प्लस हो जाना था यहाँ पर 1 साल। अगर इसके साथ बेशक ये पीएचडी प्लस एमएड प्लस प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो काउंट सेम ही होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो ऐसे हमने टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है, मास्टर का, एमफिल का अगर कोई है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, और पीएचडी का। यहां पर ओवरलैपिंग होती है, उसको अपने सेम ही कैलकुलेट करना है, उसकी डिफरेंस जो है पीछे हम कॉलम में बता आए हैं। वापस चलते हैं, ये हो गया हमारा टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस, आपने ऐसे फिल करना है। फॉर एग्जांपल मेरा टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस अगर मैंने लिखना है, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, 13 साल है, मान लीजिए 11 महीने है, 12 दिन है, ठीक है, डेज। तो ये हो गया फील्ड। फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जहां फील्ड ऑफ पीएचडी में जो आपका टॉपिक था, फॉर एग्जांपल अगर आप लिटरेचर के हो तो आपका जो फील्ड ऑफ रिसर्च नॉवल हो सकता है, नाटक हो सकता, कहानी हो सकता है, कविता हो सकता है, ठीक। ऐसे ही आपका हमारे एजुकेशन में तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेरा एजुकेशनल साइकोलॉजी का, मैं यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखूंगा। तो आपके जो ब्रांचेस हैं, एरिया हैं आपके डिसिप्लिन के, ठीक है, तो आपको वो ब्रांचेस, वो उस ब्रांच का नाम जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, नेचुरली जब हम रिसर्च करते हैं तो नैरो डाउन करते हैं ना, सबसे पहले एक ब्रांच को आइडेंटिफाई फोकस करते हैं, उस ब्रांच में से फिर नैरो टाइटल तक पहुंचते पहुंचते नैरो डाउन होते हैं। तो आपने उस ब्रांच का नाम लिखना है, वो आप हिस्ट्री के हो, म्यूजिक के हो, कौन सा आपका फील्ड है वो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर नहीं पता तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं फील्ड ऑफ आपके डिसिप्लिन का नाम फिल कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अगर वैसे नहीं पता, ये अच्छी बात नहीं है, ये मुझे गाइड नहीं करना चाहिए। ओके, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज अटेंडेड, फॉर एग्जांपल मैंने 20 जो है नेशनल लेवल के मान लीजिए किए हैं, और 10-5 जो है इंटरनेशनल लेवल के किए हैं, जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेक्स्ट पब्लिकेशन की है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक तो है बुक्स, फॉर एग्जांपल मेरी 17 बुक्स हैं पब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है, इनको समझने के लिए आप उल्टा उल्टा चलिए यहाँ पर। इन प्रेपरेशन, फॉर एग्जांपल मैं कोई बुक लिख रहा हूँ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पर, मान लीजिए बुक चल रही है, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा एक बुक, ठीक है। अगर मेरी वो बुक तैयार हो चुकी है फिर मैं ये नहीं फिल करूंगा, और मैंने पब्लिशर को टोटल चैप्टर सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, जो अच्छे पब्लिशर हैं, जो यहाँ पर रिव्यू होता है बुक का चैप्टर वाइज होता है, टाटा बैकरा हिल है, कोई पैनल बना होता है एडिटर का, इवेल्युएशन जो टीम बनी होती है वो इवेल्युएट करती है, आप चैप्टर एक एक चैप्टर करके सेंड करते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इट मीन्स आपने वो चैप्टर सेंड कर दिए हैं और मतलब के कम्युनिकेट कर दी है बुक। अगर ये है कि आपने 12 चैप्टर कम्युनिकेट करती है और 3 चैप्टर पेंडिंग है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं मीनिंग बता रहा हूं, आप अपनी ढंग से फील कर सकते हैं, मतलब मैंने अपनी बुक लिख के उनको सेंड कर दी है और वो इवेल्युएट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीन के वो इवेल्युएट कर रहे हैं मेरी बुक को, ठीक, पब्लिशर। अच्छा, इवेल्युएट करके बुक अगर आप उनको वो फीडबैक देते हैं कि ये करेक्शन या ये इसमें एडिट कीजिए या ये चेंजेस कीजिए, वो कर लेते हैं, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो बुक जो है एक्सेप्ट हो गई है, तो आप यहाँ फिल करोगे कि एक बुक है यहाँ पर, ठीक है, अगर लिख रहे हो यहाँ पर, अगर आपने भेज दी है यहाँ पर, भेजने के इवेल्युएट होने के बाद अगर एक्सेप्ट हो चुकी है यहाँ पर, एक्सेप्ट होने के बाद अब प्रोसेस है कि प्रेस में है, थोड़े दिनों में आ जाएगी, फिर नहीं तो यहाँ पर, प्रेस में से बाहर आ चुकी है तो पब्लिशर यहाँ पर हेटिंग हो जाएगी। तो आपने देखना है कि आपका जो पब्लिकेशन का, क्योंकि बड़ा अच्छी पब्लिकेशन के लिए लंबा प्रोसेस है, पीयर रिव्यू जर्नल है रियलिटी में, इंडियन वाले नहीं, इंडिया वाले तो 2 दिन में भी छप जाते हैं, तो रेफरीड जर्नल जिसको बोलते हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल बोलते हैं, स्कूपस जर्नल है अपने, वो जो है इम्पैक्ट फैक्टर है जिनका जर्नल्स का होता है, साइंस में ज्यादा होते हैं, ऐसे ही रिसर्च पेपर है आपके कितने टोटल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे 43 पब्लिश हो चुके हैं रिसर्च पेपर, यहाँ पर आपको बता देना चाहिए कि कितने इंटरनेशनल है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप बता दीजिए, यहाँ इंटरनेशनल मान लीजिए 7 है और नेशनल जो है वो इतने हैं, ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिटेल आ सकती है, ये देखिए लिखा हुआ है कि सेपरेट शीट में भी अटैच्ड, बायोडाटा में जब बनाऊंगा बताऊंगा बनाना,
नेक्स्ट वीडियो में वो आप देख सकते हो। अब रिसर्च पेपर है तो इसकी डिस्क्रिप्शन और कैसे आ सकती है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पर, बोर्ड में जाके बताता हूँ यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए आपके इंटरनेशनल कितने पेपर है, मान लीजिए 7 हो गए और नेशनल पेपर कितने हो गए, ठीक है जी 37 मान लीजिए हो गए, ठीक है, जहाँ पीयर रिव्यूड कितने हैं, ठीक है वो कितने हैं इनमें से जी 30 है, यहाँ पर कॉलम छोटा है नहीं बताया जा सकता, रिसर्च पेपर हो गए। अब रिसर्च पेपर का ही वैसे जैसे मैंने बुक का बताया है, नंबर एक आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है तो यहाँ पर एक पेपर जी लिख रहा हूँ, जो दो पेपर लिख रहा हूँ मैंने सेंड कर दिया है, एग्जैक्ट जो अच्छे पीयर रिव्यूड होते हैं तो वो कम्युनिकेशन की डेट भी साथ में बताते हैं कि इतनी डेट को ये रिसीव हुआ, इतनी देर में इस डेट पर ये इवेल्युएट होके करेक्शन के लिए सेंड किया गया और इतनी डेट को ये एक्सेप्ट हो गया, तो वो जो है डेट तो नहीं लिखनी आपने, आपको प्रोसीजर पता है कहाँ है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि कम्युनिकेटेड है, अभी इवेल्युएट हो रहा है, अभी एक्सेप्ट हो गया है, इन प्रेस है या पब्लिश हो गया है, ठीक है। आर्टिकल इसको आप दो आर्टिकल ले सकते हो, कई बार कंसेप्चुअल जो है नॉन डाटा जिसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डाटा लिया हुआ है जनरली इसको रिसर्च पेपर बोलते हैं, दूसरा अगर उसको रिसर्च आर्टिकल भी बोलते हैं, यहाँ सिर्फ शब्द आर्टिकल यूज हुआ है, रिसर्च आर्टिकल नहीं है, अगर रिसर्च आर्टिकल होता तो डाटे वाला यहाँ होना था, ठीक। तो ये कंसेप्चुअल आर्टिकल है, ये न्यूज़पेपर वाला भी आप फिल कर सकते हो, अगर मैगजीन में है किसी में तो भी ये आर्टिकल आप फिल कर सकते हो, जितने वो जिस स्टेज में है यहाँ पर फिल कर सकते हो, एनी अदर पब्लिकेशन, अगर कोई मैगजीन में आपने कुछ और यहाँ आपने पब्लिश किया है, ठीक है, तो रिप्रिंट्स शुड बी सबमिटेड, मतलब आपको उसके प्रूफ जो है साथ में इंटरव्यू के वक्त जो है सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक। अभी आप साथ में नहीं भेजोगे, द स्पेस फॉर डिटेल इज इनसफिशिएंट, सेपरेट शीट वो लगाई जा सकती है, वो बायोडाटा जब फिल करोगे तब मैं बताऊंगा। एनी अदर डिटेल विच स्ट्रेंथन योर क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट, देखिए और क्या हो सकता है कि ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आप इसको बहुत इजी मत लीजिए, कई बार इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए कोई शख्स यही देखता है, मान लीजिए वाइस चांसलर साहब या डायरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट या वीसी नॉमिनी कोई भी है, वो देखते हैं फॉर एग्जांपल आपके बेस्ट कोई पेपर है, अवार्ड है, बेस्ट कॉन्फ्रेंस का कोई अवार्ड है आपके पास, बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड है ना, किसी न्यूज पेपर ने आपको अवार्ड दिया हुआ है, अच्छा आप कंट्रीब्यूट किसी भी तरह से कॉलेज को, इन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को किसी तरह से कर सकते हो, वो आप काम किया हुआ है, को करिकुलर एक्टिविटी में हो सकता है, आपके जो आपने कोई गिद्दा की भंगड़ा की कोई किसी को करिकुलर और एक्टिविटी की 3 साल 4 साल आपने प्राइज लाए हैं, कुछ भी ऐसी अचीवमेंट है आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपने ब्लड डोनेशन है ऐसे कंट्रीब्यूट किया है, सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट किया है, कोई सोशल सर्विस का अवार्ड है, नेचुरली ऐसे टीचर ही चाहिए ना, तो वो कुछ भी आप यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक। वो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट या शीट टाइप करके, ये बात याद रखनी है, या एक्स्ट्रा शीट लगानी है, हाथों से फिल नहीं करनी, टाइप करके वो देना है। रेफरेंस, ये बहुत अजीब पॉइंट रहा है रेफरेंस का क्योंकि ये काफी पुराना फॉर्म है, इसलिए रेफरेंस तब होते थे कि आप आपकी कोई गारंटी ले, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन, फॉर एग्जांपल आपको पंजाब में से किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई HOD, कोई प्रोफेसर, कोई एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, कोई भी आपको अच्छी तरह से नोन है, आप उसका जो नाम और उसका स्टेटस, फॉर एग्जांपल वो प्रिंसिपल है, HOD है, डीन है ना, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं इतना ऊंचा औहदा हो, कोई एजुकेशन में आपकी पर्सनालिटी है, मतलब किसी स्कूल के प्रिंसिपल है अच्छे से स्कूल के, आप उनका नाम जो आपको नहीं मिलता स्कूल लेवल पर आप फिल कर सकते हो, आपने उसका नाम स्टेटस और एड्रेस कौन सा लिखना है जहां वो पोस्ट है उनकी, प्रोफेशनल शब्द है ना यहाँ पर, तो आप घर का एड्रेस नहीं लिखोगे उनका,
वो जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में टीच करते हैं, प्रेफर कीजिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, फिल कीजिए, कोई भी हो सकता है। ये लास्ट में सोचिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल शब्द है, तो प्रोफेशन यहाँ पर पोस्ट किसकी है, टीचिंग की है, ठीक है। तो टीचिंग प्रोफेशन से कोशिश कीजिए, कोई भी नाम आप लिख दीजिए, आपके टीचर हो सकते हैं। बेस्ट यही है, बेस्ट यही है, आप अपने टीचर का नाम लिखिए, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आप पढ़े हुए हो, आप वहां पर उनके टीचर का नाम लिख सकते हो। ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, तीन ही फिल कर दीजिए, अच्छी बात है, खाली मत छोड़िए। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट, अलग से वीडियो बना रहा हूं इसका, चेकलिस्ट होगी है कि चेकलिस्ट आपने कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कभी भी अप्लाई करना है तो एक चेकलिस्ट दूंगा, 32-34 पॉइंट्स निकाले हैं, वो आप एक बार देख लेने चाहिए कि अप्लाई करने से पहले, और उसमें से ही कुछ पॉइंट चेकलिस्ट में है कि ये मैंने साथ में सर्टिफिकेट साथ में अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी है वो। इसके बाद ये एथिक्स आपके के जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, डिक्लेरेशन है आपकी, ये अपने आप वो करेक्ट है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ लिया होगा। मुझे कभी भी कोई सजा नहीं हुई, डीबार नहीं किया गया, डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया, डिसमिस नहीं किया गया, ठीक। तो डेट, प्लेस आपका डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं, कई बार पूछते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है जो पीछे बता के आया हूँ कि NOC लेना पड़ता है, ठीक। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहीं भी पढ़ाते हैं, एडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़ा रहे हैं आप इंस्टीट्यूट में, तो आप इस पर अगर सिग्नेचर करा लेते हैं तो आपका NOC हो गया। इट मीन्स आपको NOC की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मालिक से पहले से परमिशन लेके जा रहे हैं, उनके यहाँ पर सिग्नेचर करवाते हैं, सिग्नेचर करवाने के बाद स्टैंप लगवाते हैं और रिकमेंडेड कराते हैं। हो सकता है कि वो पॉसिबल तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन अच्छे लोग हैं तो रिकमेंडेशन आपकी तारीफ में दो शब्द यहाँ पर लिख दे, ठीक। तो ये थे, ये फॉर्म हो गया, फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं है, सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, थर्ड भी देखना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसके अलग से वीडियो, और जो चेकलिस्ट है वो देखनी पड़ेगी, थर्ड बायोडाटा वाली देखनी पड़ेगी, फिर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्यों इतना टाइम मैंने भी लगाया है, आपको भी लगाना होगा, क्योंकि जो प्रोसीजर है उसमें इसकी इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ लिखा है उसकी वैल्यू पढ़नी है, वो प्योर होना चाहिए, सच्चा, आप भी सच्चे होने चाहिए। तो आपने किसको भेजना है वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ, इसके बाद ही वो वीडियो साथ में ही आ रहा है। कोई भी इसके बारे में आपको इंक्वायरी हो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं अच्छा जो नहीं कर रहा, जो आपको पसंद नहीं आता वो जरूर बताइए, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, करने वाला तो वो होता है, मैं कर ही नहीं रहा। थैंक यू।